नमस्कार, मैं हूं अंजलि बंसल। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है भिवानी हलचल पर। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। गांव बालवास में दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा, मौके पर पहुंचे डीएसपी। पंचायत भवन में हुआ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक का आयोजन। घंटाघर क्षेत्र में लगाई छबील, डिस्पोजल ग्लास इस्तेमाल न करने का दिया पर्यावरण संदेश। जागरूकता शिविर में पहुंचे एसपी, कहा नशा मुक्त समाज निर्माण में युवा करे सहयोग। महाराजा अग्रसेन भवन में संपन्न हुआ नशे के दुष्परिणाम व कानूनी प्रावधान पर जागरूकता शिविर। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार सुबह गांव पालवास के दो पक्षों के बीच मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए डीएसपी चंद्रपाल मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया कि इस झगड़े में दोनों ही पक्षों से तीन लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें जिला सामान्य अस्पताल लाया गया। जिला सामान्य अस्पताल में घायलों से झगड़े की वजह जानने पहुंचे डीएसपी चंद्रपाल व पुलिस अधिकारियों ने झगड़े की वजह को जाना। घायल सोनू का कहना है कि वह गांव में बाइक से अपने घर लौट रहा था कि तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जबकि दूसरे पक्ष के घायल मोनू व सुरेश का कहना है कि तेज रफ्तार से बाइक चलाने पर सोनू को सिर्फ टोका था, मगर इतने में ही उसने उन पर हमला कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। वहीं पुलिस ने भी घायलों का बयान दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी चंद्रपाल ने बताया कि गांव में माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्वक है और किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति नहीं है। गांव पालवास में कोई तनाव नहीं है, पहले तो ये। दूसरा है, मोनू मोटरसाइकिल पर आ रहा था तो सोनू ने कहा आप तेज गति से चला रहे, इस बात को लेके मोनू सोनू इनका झगड़ा हो गया तो वो चोटें आई। मंगलवार शाम को पंचायत भवन में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संत नारायण जाटिया ने भाग लिया। वहीं भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। स्थानीय पंचायत भवन में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सत्यनारायण जाटिया ने कहा कि भाजपा ने अनुसूचित जाति वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने की बजाय अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जिससे कि गरीब व्यक्ति का भी जीवन स्तर काफी ऊंचा उठा है। वहीं इस मौके पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे घर घर पहुंचकर भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार करें और जनता और सरकार के बीच तालमेल बिठाएं। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीन से जुड़कर काम करने की भी नसीहत दी। इस अवसर पर रामोतार वाल्मीकि व जगदीश मिताथन सहित अनेक भाजपा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री और एनडीए के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने 3 साल पूरे किए हैं और 3 साल का ये कार्यकाल अद्भुत रहा है। पहली बार 30 बरस में किसी एक पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाई। आम आदमी का, जनसामान्य का, गरीब वर्ग के लोगों का सत्ता में भागीदारी किस प्रकार से हो सकती है और उनको राजनीतिक न्याय किस प्रकार से मिल सकता है, उस प्रकार के सारे उपाय किए गए हैं। सानिया घंटाघर क्षेत्र में भीषण गर्मी में शीतल पेय की छबी लगाकर राहगीरों को गर्मी से निजात दिलाने का प्रयास किया गया। इसमें खास बात यह रही कि डिस्पोजल गिलास की बजाय स्टील गिलास का इस्तेमाल कर पर्यावरण संरक्षण का भी लोगों को संदेश दिया गया। घंटाघर क्षेत्र में छबील लगाकर राहगीरों को शीतल पेय पदार्थ पिला रहे युवाओं का कहना है कि डिस्पोजल ग्लास से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। वहीं ये डिस्पोजल ग्लास उपयोग के बाद शहर में सीवरेज जाम की वजह भी बनते हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे इनका कम से कम इस्तेमाल करें। युवाओं ने लोगों को स्टील ग्लास में पानी पिलाया और उनसे पॉलिथीन इस्तेमाल न करने का भी संदेश दिया। सभी लोग पानी वगैरह ठंडा पानी पिलाते हैं बाजार में, तो हमारा ये मन था कि उस दिन सभी लोग पिलाते हैं, हम उससे अगले दिन लोगों को मेन हमारा मुद्दा है कि जो आने जाने वाले कस्टमर होते हैं और होते हैं उनकी प्यास बुझाना। हमने यहाँ पे एक और प्रथा चलाई है कि जो लोग निर्जला एकादशी वाले दिन प्लास्टिक के गिलास वगैरह इस्तेमाल, उससे सारी भिवानी में गंदगी हुई है और हम लोग स्वच्छ भिवानी अभियान से जुड़े हुए हैं। हमारा एक मकसद है भिवानी को स्वच्छ करना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टील के गिलासों का इस्तेमाल किया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर।
गांव बालवास में दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा, मौके पर पहुंचे डीएसपी। पंचायत भवन में हुआ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक का आयोजन। घंटाघर क्षेत्र में लगाए छबील डिस्पोजल ग्लास, इस्तेमाल न करने का दिया पर्यावरण संदेश। जागरूकता शिविर में पहुंचे एसपी, कहा नशा मुक्त समाज निर्माण में युवा करे सहयोग। महाराजा अग्रसेन भवन में संपन्न हुआ नशे के दुष्परिणाम व कानूनी प्रावधान पर जागरूकता शिविर। फिलहाल आज इस ब्रिज में बस इतना ही, लेकिन भिवानी हलचल में खबरों का दौर जारी है, तो अगले प्रसारण के लिए बने रहिएगा भिवानी हलचल के साथ। नमस्कार।